हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अवार्ड्स ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज़ ठीक है तो ये आज की हमारी कैटेगरी है हम वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे पिछले छः महीनों के हिसाब से सिक्स मंथ्स के हिसाब से हम यहाँ पर अवार्ड्स ऑनर्स और पर्सन न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो फेबररी दो से लेकर सेप्टेम्बर दो का जो ड्यूरेशन उसको कवर करेंगे प्रेजेंट से हम पास में जाएंगे ठीक है जो मार्च की दो एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में लगी मैंने मार्च वाली भी यहाँ पर ऐड कर दिया ठीक है आई होप आप लोगों को क्लास की ऑडियो और वीडियो ठीक से आ रही है एक बार मैं देख लेता कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ठीक है ठीक है चलते अपनी थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरे बारे में मेरा नाम है अभिनव जोशी ठीक है मैं यहाँ पर दो साल से भी ज्यादा टाइम से स्टूडेंट्स को करंट अफेयर स्टैटिक अफेयर और बैंक के अफेयर कर रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ठीक है वैसे तो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको हजारों लाइव वीडियो मिल जाएंगे ठीक है अगर आपको वो लाइव वीडियो देखनी है तो आपको एक बार अनल कर, अनलॉक करना पड़ेगा उसको एक रेफरल कोड डाल के मैं आपको अपना रेफरल कोड बता दूंगा आप उसको भी डाल के अनलॉक कर सकते हो तो वैसे तो आपको यहाँ पर हज़ारों लाइव वीडियोज मिलती है पर फिर भी अगर आप अन अडमी का जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है ठीक है इसको खरीदते हो तो यहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे आपके यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं किसी भी टाइम कहीं से भी रेगुलरली यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन रखे जाते सारे कोर्सेज़ के एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाने की कोशिश करती है जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स वो यहाँ पर पढ़ाते ठीक है आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी तो जीरो से लेकर हंड्रेड तक आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी उसके अलावा बहुत सारे क्विजेज रखे जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि आपकी जो लर्निंग जर्नी है वो कैसे चल रही है ठीक है जो आपकी जर्नी है लर्निंग की उसमें क्या क्या, -क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या क्या चीज़ें फिर से करानी पड़ेगी क्लासेस को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और बहुत इंगेजिंग बनाने की कोशिश की जाती है ताकि आप लोग बोर ना हो ठीक है रेगुलरली पी डी एफ अवेलेबल कराई जाती है टेस्ट सीरीज रखी जाती है जिसमें आप एक बड़े लेवल पे कंपीट कर सको और यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना कैसे ठीक है तो अगर आपको अन्य अकेडमी का जो स्पेशल प्लेटफॉर्म ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हो या तो वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर आप जो एप्स हो रहा है गूगल प्ले स्टोर है वहाँ सर्च कर सकते हो अन्य अकेडमी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो इस तरह से ऐप आप आपके सामने खुल जाएगी आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के अपने आपको रजिस्टर कर लो एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन से एग्जाम कोर्स के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है उस एग्जाम कोर्स को उसको सिलेक्ट करो गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करो फिर आपसे पूछेगा कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको ये कोर्स चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ तैयारी पहले हो चुकी है आपको एक अच्छा पोस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर कम ड्यूरेशन का कोर्स लो अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको फाइनल अटैम्प्ट देना है आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इस कोर्स को चूज कर सकते हो कंटिन्यू पे क्लिक करो कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है ठीक है तो रेफरल कोड का यहाँ पर आपको आप तो फ़ायदा क्या है जो भी आपको पेमेंट दिखाई जाएगी उस पेमेंट में से यहाँ पर टेन परसेंटेंटेंटेंटेंट ऑफ हो जाएगा ठीक है तो जो भी पेमेंट दिखाई जाएगी उसमें से टेन परसेंट ऑफ हो जाएगा आप यहाँ पर ये वाला रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो ए बी एच आई फाइव जीरो तो कोई भी अन अकेडमी का कोर्स ठीक है कोई भी कोर्स किसी भी ड्यूरेशन के लिए अगर आप उस पर ये वाला रेफरल कोड यूज़ करते हो तो टेन परसेंट आपको ऑफ मिल जाएगा तो मान लो आपने कोई फाइव थाउजेंड का कोर्स परचेज करना तो फाइव थाउजेंड के कोर्स पर टेन परसेंट ऑफ करके आपको सिर्फ फोर्टी फाइव हंड्रेड ही पेमेंट करनी है ठीक है उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको हज़ारों जो फ्री वीडियोज़ मिलती है उसको भी अनलॉक करने के लिए आप इस रेफरल कोड को तो यूज़ कर सकते हो ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स तो मैंने आपको बता दिया हम यहाँ पे करेंगे क्या हम यहाँ पे पिछले छः महीने के हिसाब से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज एंड इंपॉर्टेंट ऑनर्स डिस्कस कर लेंगे ठीक है सारे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को करेंगे उसके अलावा अगर आपको इस क्लास की पी चाहिए तो पी आपको मिल जाएगी वाई स्टडी बैंक एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पर ठीक है इसको आप सर्च करके इनके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी मैरीकॉम तो तो एक बहुत ही बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनलिटी हमारी कंट्री की वो बन चुके हैं यहाँ पर न्यू चेयरपर्सन ऑफ ए आईबीए चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी ठीक है एआईबीए क्या ए आई बी ए मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ठीक है तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी है उसके नए चेयरपर्सन बनाया गया है इंडियन बॉक्सर एम मेरी कॉम को ठीक है और ये कब हुआ थर्ड ऑफ मार्च को तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बता देता हूँ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेडकोर्टर आपको मिलेंगे लॉज एन स्विट्जरलैंड में ठीक है इसको बनाया गया था नाइनटीन में ये है क्या जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है ठीक है गवर्निंग बॉडी किसकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है तो ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है यहाँ पर बॉक्सिंग ही तो आपको पता होगा दुनिया में बहुत सारे जो स्पोर्टिंग इवेंट है उनकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होती है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी और उन्हीं की नेशनल गवर्निंग बॉडी भी होती है जो कंट्रीज में काम करती है जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये पूरे कंट्री में क्रिकेट को सॉरी पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखती है पर इंडिया में क्रिकेट को संभालने के लिए बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ठीक है तो इस तरह से काम करता है आई और बी ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं न्यूज है कि एक इंडियन एक्टिविस्ट है ठीक है उनको यहाँ एक यूएस इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड मिला इंडियन एक्टिविस्ट का नाम है अंजलि भारद्वाज तो अंजलि भार्वाज जिनके आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं उनको एक अवार्ड मिला है यूएस इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड ये अवार्ड दिया किसने तो मतलब यूएस में भी अवार्ड किसने तो दिया होगा तो यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है ठीक है जो यूएसए में स्टेट डिपार्टमेंट जैसे स्टेट डिपार्टमेंट मतलब हमारी कंट्री में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है यूएसए में उसको स्टेट डिपार्टमेंट बोलते हैं

दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर दिया था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा आर्बर डे फाउंडेशन तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पर हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का टाइटल दिया सिर्फ हैदराबाद को नहीं दिया और भी काफ़ी कंट्रीज थी पर इंडिया में सिर्फ सिर्फ हैदराबाद ही एक कंट्री थी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हैदराबाद सिटी को एक टाइटल मिलना जो मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ टाइटल दिया यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन तो इनमें से जो फर्स्ट वाली है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन देख लेते हैं तो यू एन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रिकल्चर ऑर्गेनाइजन के साथ रोम इटली में इसको बनाया गया था 1945 में ठीक है और तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ नहीं है नेक्स्ट नगोजी ओंकोजो इवालिया तो नगोजी अंकोजो इवालिया फर्स्ट वुमेन जो कि डब्ल्यू को लीड करने जाएंगे वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार जो वुमेन लीड करेंगे उनका नाम क्या है नगोजी ओंकोजो इवालिया ठीक है तो ये कहाँ से आते हैं ये नाइजीरिया से आते हैं तो एक नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट है नकोजी ऑनकोजो ठीक है इनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये फर्स्ट अफ्रीकन होंगे जो कि इस पोस्ट को संभालेंगे हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट को ठीक तो है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड को सबको मिलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसको बनाया गया था नाइनटीन में इसका काम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये दुनिया भर के लिए जो ट्रेड हो रहा है दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर सेट करते रहते हैं ठीक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत ठीक है देखो आयुष्मान भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कंट्री के लिए पर आयुष्मान भारत काम किसके अंदर करती है अंडर द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को एक नए सी मिल गया उनका नाम क्या है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सी का नाम है आर एस शर्मा ठीक है तो अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर क्योंकि आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी चीज़ है तो इस तरह से बोला रहा है कि आयुष्मान भारत सी बन गया सॉरी आर एस शर्मा सी बन गया आयुष्मान भारत के पर असल में वो सी ओ के सीज़ के बने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ आई है जनवरी की न्यूज़ है ठीक है न्यूज़ क्या है कि हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्ट्री उन्होंने ये बताया कि 25 जनवरी को 25 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 119 सौ अवार्ड्स अनाउंस कर दिए थे तो 119 सौ अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए थे ट्वेंटी ऑफ जनवरी को अभी जो अवार्ड्स हैं इनके आगे तीन कैटेगरी होती हैं पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री तो एक सौ अवार्ड में से सात सात थे पद्म विभूषण दस थे पद्म भूषण और एक सौ थे पद्मश्री कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीन कैटेगरी के अवार्ड्स थे जो यहाँ पर अनाउंस किए गए तो सबसे पहले देख लेते हैं पद्म विभूषण तो पद्म विभूषण टोटल सात लोगों को दिया गया इन सात लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए अगर आप ये नाम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो श्री शिंजो आबे श्री एस पी बालाम बेल मुनापे हेगड़े श्री नरेंद्र सिंह कपानी मौलाना वहीभुदन खान एस एस बाल श्री बी बी लाल और श्री सुदर्शन साहु ठीक है तो इन सात लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए जिसमें एक तो आप अगर देखो नंबर वन पे कौन है शिंजो आबे जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके ठीक है अगर हम बात करें पद्म भूषण की तो पद्म भूषण टोटल दस लोगों को दिया गया तो मैं आपके साथ जब स्लाइड शेयर करूंगा आप वहाँ से सारे नाम पढ़ सकते हो अगर हम सारे नाम पढ़ने बैठेंगे तो बस हमारे यहाँ पर टाइम भी वेस्ट होगा ज़्यादा कुछ होगा नहीं ठीक है तो पद्म भूषण मिला है सात लोगों को पद्म भूषण मिला है दस लोगों को और जो पद्मश्री है उसको भी देख लेते हैं पद्मश्री यहाँ पर मिला है एक सौ दो लोगों को तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नाम हो जाएंगे ठीक है सारे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत क्यों न्यूज़ में थे क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बने हमारी कंट्री के जिन्होंने 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट किया तो 26 ऑफ जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट करने वाले फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट का नाम क्या है भावना कांत ठीक है इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे हेल्थ मिनिस्ट्री है जो हमारी कंट्री की उन्होंने रिसेंटली कायाकल्प अवार्ड्स को अनाउंस किया तो कायाकल्प अवार्ड्स किस को दिए जाते हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ uh, है या फिर हॉस्पिटल है जो हमारी कंट्री के वहाँ दिए जाते हैं कायाकल्प अवार्ड्स तो आप एक याद रख सकते हो कि एम्स भुवनेश्वर तो जो एम्स है भुवनेश्वर में उड़ीसा में उसको यहाँ पर बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कायाकल्प अवार्ड मिला था ठीक है फोर्टीथ इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा गया एंटार्टिका की तरफ तो आपको पता है अर्थ है तो अर्थ में ये नॉर्थ पोल में आर्टिक और साउथ पोल में एंटार्टिका ठीक है तो चालीसवां इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा गया एंटार्टिका की तरफ मतलब ये नीचे नॉर्थ प्लानट अर्थ के साउथ पोल की तरफ भेजा गया ठीक है तो एंटार्टिका वैसे तो एक इंटरनेशनल टेरिटरी है एंटार्टिका किसी कंट्री के अंदर नहीं आता पर अगर किसी को भी अंटार्टिका पे रिसर्च करनी है काम करना है कुछ भी ढूंढना है तो उसके लिए एंटार्टिका के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है इंडिया काफ़ी टाइम से यहाँ पर जुड़ा हुआ है एंटार्टिका के रिसर्च को लेकर तो वहाँ पर रेगुलरली हम बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेडिशन को भेजते रहते हैं ठीक है तो रिसेंटली इंडिया, इंडिया ने अपना फोर्टीथ फोर्टीथ इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा टुअर्ड्स एंटार्टिका कहाँ से भेजा तो हमने भेजा था गोवा से ठीक है किसने ऑर्गेनाइज़ कराया तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ऑर्गेनाइज़ कराया और कौन सा शिप हमने यहाँ डिप्लॉय किया तो एम बी वासेली गोलोविंग ये शिप था जिसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है तो यहाँ पर दिखाया गया एंटार्टिका आपको दिखेगा कैसे तो अगर आप प्लान अर्थ को साउथ की तरफ से देखो या फिर नीचे से प्लानट अर्थ देखो तो इस तरह से आपको एंटार्टिका कॉन्टिनेंट दिखेगा नेक्स्ट हमारी कंट्री कंटीजे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन उनको यहाँ पर नॉमिनेट कर लिया गया टू दी गावी बोर्ड गावी क्या गावी है गावी है ग्लोबल वैक्सीन अलायंस तो ये एक अलायंस है इसका काम है दुनिया भर में उन सब कंट्रीज में वैक्सीनेशन पहुँचाना ठीक है उन सब कंट्रीज में वैक्सीन पहुंचाना जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है जैसे अफ्रीका की कंट्रीज होगी मिडल की कंट्रीज होगी तो ये है गावी अब गावी के एक बोर्ड मेंबर बन गए हैं डॉक्टर हर्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं तो 2021 से लेकर 2023 तक यहाँ पर टर्म रहेगी डॉ हर्षवर्धन की ठीक हर्ष है तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई गावी दी वैक्सीन अलायंस के बारे में तो गावी के आपको हेडकोर्टर्स मिलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में अब आप ऐसे में सोच रहा कि वैक्सीन तो सिर्फ कोरोना वायरस की जरूरत है कोरोना वायरस के अलावा भी बहुत दुनिया में बीमारी हैं जिसकी वैक्सीन की जरूरत पड़ती है तो बस गावी का यही काम है गावी का, का काम क्या है कि बहुत सारी वैक्सीनों की जो जरूरत पड़ती है दुनिया भर में उसको प्रोवाइड करते रहना पर हाँ अब इनके लिए 2021 बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है और कुछ हद तक 2022 भी क्योंकि 21-22 में इनको कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो पूरी दुनिया तक पहुंचानी पड़ेगी विशाखापट्टनम ठीक है जिसको वाइजैक भी बोलते हैं आंध्र प्रदेश में आता है विशाखापट्टनम को रिसेंटली यहाँ पर अवार्ड मिला था बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी ठीक है तो बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी का यहाँ पर अवार्ड मिला था विशाखापट्टनम को किस स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स तो प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए उसके अंदर विशाखापट्टनम को बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी का अवार्ड दिया गया था ठीक है अब आपको बताओगे जब प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स की बात नहीं कर रहा सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना इसको और भी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल ठीक है तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम असल में बोल दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना को थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इंडिया ने करना क्या हम लोगों ने बहुत सारे घर बना ले बाय द ईयर 2022 ठीक है तो 2022 तक इंडिया बहुत सारे घर बनाना चाहता है अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक है और देखते हैं हमारी कंट्री का पहला इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी तो हमारी कंट्री की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहां शुरू की गई ये शुरू की गई बांधवघट टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है बांधवघट टाइगर रिजर्व जहां पर हमारी कंट्री की पहली हॉट एयर बैलून सफारी को शुरू किया गया ठीक है तो सफारी आपको बताओ कोई जूज़ कई जूज़ में भी सफारी का प्रोग्राम चलता है तो उसमें होता क्या है कि एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहाँ पर एनिमल को फ्री छोड़ते हैं ठीक है टाइगर को लॉयन को और उसके बाद आपको एक गाड़ी में बिठा के एक बस में बैठा के लेकर जाएंगे दिखाने के लिए वो एनिमल ठीक है तो उसको बोलते हैं सफारी पर जब एक गाड़ी या एक बस इतना क्लोज चली जाती है एनिमल के तो उसके इंजन की वजह से एनिमल्स डर सकते हैं इस वजह से ये जो हॉट एयर वाली जो यहाँ पर बात की जा रही है कि हॉट एयर बैलून सफारी बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है इसके थ्रू होगा क्या इसके थ्रू एक तो जो लोग यहाँ देखने जाएंगे इन एनिमल्स को वो लोग ठीक से देख पाएंगे एनिमल्स को और ये जो एनिमल है ये भी डरेंगे नहीं यहाँ पर ठीक है तो काफी अच्छी चीज़ है जो शुरू की गई हमारी कंट्री की फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी नेक्स्ट लीजन ऑफ मेरिट लीजन ऑफ मेरिट का ये एक अवार्ड किस है किसने दिया यूएसए के प्रेजिडेंट जो यूएसए के पुराने प्रेजिडेंट है डोनल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड देखे गए किन लोगों को तीन लोगों को देखे गए तीन लोग कौन कौन है सबसे पहले स्कॉट मॉरिसन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और शिंजो आबे जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान के इन तीनों को अवार्ड दिया गया था लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड ठीक है तो आपसे पूछा सकता है कि रिसेंटली लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड बहुत न्यूज में था किसने दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया किसको दिया तो वो मैंने आपको बता दिया तीन लोगों को अवार्ड दिया गया था लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड अब ये अवार्ड देने के पीछे कारण क्या था डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक चीज दिखाना चाहते थे देखो उन्होंने क्या किया तो डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएसए यूएसए से तीन अवार्ड आए एक आया जापान की तरफ एक आया ऑस्ट्रेलिया ज... की तरफ और एक आया इंडिया की तरफ तो अगर आपको पता हो ये जो चार कंट्रीज है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए ये चारों कंट्रीज मिलकर अपनी इनकी ग्रुपिंग को बोलते हैं क्वार क्वाड ग्रुपिंग ठीक है तो ये चार कंट्रीज अपने आपको मिलकर बोलते हैं क्वाड और डॉनल्ड ट्रम्प का बहुत बड़ा आप लो कॉन्ट्रीब्यूशन था, था। क्वाड को बनाने में ठीक है क्वाड बनाने में डोल्ड ट्रम्प का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी था तो बस डोनल्ड ट्रम्प ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो दिया और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है क्या ये यू एस ए का अवार्ड है ये अपनी मिलिट्री वालों को अवार्ड देते हैं तो इन्होंने एक लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड यहाँ पर इसलिए दिया ताकि पूरी दुनिया को दिखा सकें कि देखो जाते जाते मैंने अपनी प्रेजिडेंशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप खड़ा कर दिया क्वाड क्वाड का मेन काम क्या है कि जो चाइना अपना बेफालतू में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है उसको थोड़ा कंट्रोल करें ठीक है जो चाइना इस पूरे रीजन में बॉर्डर टेंशन बढ़ाता है उस सबको थोड़ा कंट्रोल किया जाता है अंडर दी क्वाड ठीक है नेक्स्ट गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड रिसेंटली दिया गया था सेल को तो सेल को अवार्ड दिया गया अंडर दी स्टील सेक्टर तो ये जो अवार्ड है ना गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ये असल में दिया ही जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जो कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ करती है तो स्टील सेक्टर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को रिसेंटली मिला था गोल्डन पीकॉक नेक्स्ट यू एन ई पी ट्वेंटी 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 किसको दिया गया एक इंडियन को दिया गया वैसे तो बहुत दुनिया में काफी सारे लोगों को मिला छह सात लोगों पर उनमें से एक इंडियन थे विद्युत मोहन तो विद्युत मोहन को यहां पर यू एन ईपी ट्वेंटी ट्वेंटी यंग चैंपियन ऑफ दी अर्थ अवार्ड रिसेंटली दिया गया यू एन ईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ठीक है तो यू एन ईपी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स मिलेंगे नाइरो केनिया में और इसको बनाया गया था नाइनटीन सेवेंटी टू के अंदर नेक्स्ट यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड ठीक है तो यू एन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड रिसेंटली दिया गया था एक आ, प्रमोशनल इवेंट को जिसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया तो यू एन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसने दिया ये दिया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो ये अवार्ड क्या पता कह रहा था देखो दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज है ठीक है दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि चाहती है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आए ठीक है तो दुनिया में बहुत सारी कंट्री चाहती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए तो अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई प्रमोशनल इवेंट भी शुरू करना पड़ेगा ये बताने के लिए जैसे आपने देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया uh, एक इवेंट है ठीक है उसके बाद प्रोग्रेसिव पंजाब एक इवेंट ऐसे बहुत सारे इवेंट शुरू किए जाते हैं दुनिया भर को दिखाने के लिए कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो इसी तरह से इन्वेस्ट इंडिया भी एक इवेंट है तो जैसे इन्वेस्ट इंडिया एक इवेंट है तो दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने इवेंट बनाएंगे पर रिसेंटली यहाँ पर यू इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड दिया गया ये बताने के लिए कि जो इन्वेस्ट इंडिया इवेंट है ये असल में एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था ठीक है तो बहुत ही अच्छा इवेंट था इन्वेस्ट इंडिया इवेंट ये बताया गया यहाँ पर ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ठीक है तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में उसको रिसेंटली एक अवार्ड मिला टी एक्स टू इंटरनेशनल अवार्ड टी एक्स टू मतलब टी मतलब टाइगर एक्स टू मतलब टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर देना तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में उसको टी एक्स टू अवार्ड मिला मतलब उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी उसको डबल कर दिया अब ये जो अवार्ड दिया टी एस टू अवार्ड इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अवार्ड दिया उसमें से एक इंपॉर्टेंट थी आई यू सी एन अब ये जो आई यू सी एन है इसके बारे में थोड़ी सी हमको इनफॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए आई यू सी एन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ़ नेचर तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर फुल फॉर्म है आई यू सी एन की ठीक है अब आई यू सी एन के बड़े सारे काम है आपने सुना होगा आई यू सी एन की एक रेड बुक भी आती है जिसमें ये बताते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो आई यू सी एन की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे जाके किसी भी एनिमल के बारे में दिखोगे तो वहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखा देंगे कि क्या वो एनिमल इस टाइम पर एंडेंजर्ड है क्या वो एक्सटिंक्ट हो सकता है क्या वो एक्सटिंक्ट हो गया है क्या वो सेफ है ठीक है तो ये सब काम करता है आई यू सी एन एडर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो अवार्ड कैटेगरी में न्यूज है बुकर प्राइस ट्वेंटी डगल ने डगलस स्टूट आप देख सकते हो तो डगलस स्टूट ने यहाँ पर जीता था बुकर प्राइस ये जो बुकर प्राइज है ज्यादातर इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा आता है ठीक है तो इनकी एक नॉवल थी शगीबेन तो शगीबेन नॉवल के लिए यहां पर बुकर प्राइस दिया गया था दो का डगलट डगलस स्टूट को ठीक है तो थोड़ा बुकर प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं जो बुकर प्राइज है इसको पहले बोला जाता था बुकर प्राइस फॉर फिक्शन और मैन बुकर प्राइज भी इसको बोला जाता है ठीक है ये एक लिटरेरी का प्राइज है जो कि इंग्लिश नॉवल लिखने वालों को दिया था और इसको यूके से जुड़ा था तो यूनाइटेड किंगडम ऑफर करता है यहां पर बुकर प्राइज को नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज है वो असम स्टेट से जुड़ी है असम ने अवार्ड जीता है बेस्ट स्टेट अवार्ड इन फिशरी सेक्टर तो फिशरी सेक्टर में असम ने बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता अब आपको लग रहा होगा कि असम तो यहाँ पर कोस्ट लाइन पर आता ही नहीं तो असम ने फिशरीज़ में कैसे जीत लिया तो आपने सुना होगा इनलैंड फिशरी इनलैंड फिशरी में आप क्या करते हो जो आपके रिवर सिस्टम है या फिर आप और पॉन्ड्स बना लेते होते तो आपको कोस्ट लाइन की जरूरत नहीं पड़ती आप पॉन्ड्स में या रिवर सिस्टम में जाके फिशिंग करते हो तो बस इसी कैटेगरी में असम ने यहाँ पर बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता इन दी फिशरीज सेक्टर ठीक है आपको यहाँ पर थोड़ा पता भी होना चाहिए हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री भी है उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़िशरीज एनिमल हजबैंड्री एंड डेयरिंग ठीक है तो इस मिनिस्ट्री के अगर आजकल पॉलिटिकली काफ़ी बात चल रही थी तो मैंने यहाँ आप पर आपको थोड़ा सा बता दिया इस मिनिस्ट्री के बारे में इस मिनिस्ट्री के ऑफिस होल्डर हैं गिराज सिंह या फिर मिस्टर रिस्पॉन्सिबल है गिरिराज सिंह नेक्स्ट बराक ओबामा ने पब्लिश करी एक बुक उसका नाम है अ प्रॉमिस लैंड तो अ प्रॉमिस लैंड एक बुक लिखी है बराक ओबामा ने काफ़ी आजकल न्यूज में चली तो मुझे लगा ये भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए बराक ओबामा जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रहे 2009 से लेकर 2017 के बीच में तो 2009 से लेकर 2017 के बीच में यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा पीएम नरेंद्र मोदी ने अनवील किया मतलब उन्होंने यहाँ पर एक तरह से इनाग्रेट किया स्टैचू ऑफ पीस अभी जो स्टैचू ऑफ पीस है इसको आपको कन्फ्यूज नहीं करना है स्टैचू ऑफ यूनिटी से ठीक है तो पी नरेंद्र मोदी ने अनवील किया स्टैचू ऑफ पीस किसकी याद में किया जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेशवी जी महाराज ठीक है तो ये इनका पर्सन का नाम है तो इनकी वन फिफ्टी फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस को अनवील किया प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पर राजस्थान में तो राजस्थान स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ने स्टैचू को यहाँ पर अनवील किया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग बहरेन प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो दुनिया के सबसे लंबे टाइम के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सर्व किया है बहरेन के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम था खलीफा बिन सलमान अल खलीफा उनकी रिसेंटली यहाँ पर डेथ होगी ठीक है तो ये बहरेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे 1971 में और 1971 से लेकर ईयर 2020 में इसकी जा इनके जाके यहाँ पर डेथ हुई ठीक है तो ये बहरेन के प्राइम मिनिस्टर थे और दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर तो अगर आपको बहरेन देखना है एक मैप पर तो आप देखो यहाँ पर सऊदी अरेबिया ठीक है थीके? सऊदी अरबिया के नीचे आपको मिलेगा यमन यहाँ मिलेगा ओमान ओमान के बगल में यूनाइटेड अरब एमरेट्स उसके बाद आपको एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है कतर और बिल्कुल कतर के साथ एक पॉइंटेड कंट्री है छोटी सी आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा भी है नहीं सकता इसका नाम है बहरीन ठीक है बहरीन की कैपिटल क्या है बहरीन की कैपिटल है मनामा ठीक है तो बहरीन की कैपिटल है मनामा अब आपको बहरीन की कैपिटल जो मनामा है इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना मनीला से मनीला कैपिटल है फिलीपींस की बहरीन की कैपिटल है मनामा ठीक है आगे चलते हैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नवरणे को यहाँ पर एक रैंक दिया रैंक क्या था जनरल ऑफ द नेपलीज आर्मी तो इंडियन आर्मी के जो चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे उनको यहाँ पर जनरल ऑफ द नेपलीज आर्मी का रैंक दिया गया पर ये एक ऑनरी रैंक है मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में काफी टाइम से ये चीज चल रही है ठीक है बहुत टाइम से चल रहा है कि जो नेपाल के आर्मी के जनरल होते हैं जब वो इन, उनको इंडिया बुलाया जाता है उनको यहाँ पर इंडियन आर्मी का जनरल का रैंक दिया जाता है पर एक ऑनरी रैंक होता है इसी तरह से जो हमारी कंट्री के आर्मी के चीफ है उनको नेपाल बुलाया जाता है उनको यहाँ पर नेपाल के आर्मी का जनरल का रैंक दिया जाता है ये भी एक ऑनरी रैंक होता है ऑनरी मतलब सिर्फ एक रिस्पेक्ट के लिए तो इंडिया और नेपाल इतना पुराना ट्रेडिशन इतना पुराना हिस्ट्री है दोनों कंट्रीज की इस वजह से ये जो रैंक्स है एक दूसरे को दिए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये जो रैंक की सेरेमनी थी की किसने तो जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं विद्या देवी भंडारी तो सॉरी नेपाल के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी उन्होंने असल में ये रैंक दिया था इंडियन आर्मी के जनरल को मनोज मुकुंद नरवणे को नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ क्या है एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन जिनका नाम है ओरिजिन मतलब ये इंडियन सिटीजन है पर हो सकता है इनके पेरेंट्स या इनका जन्म इंडिया में हो ठीक है तो वावेल राम कलवान तो इंडियन ओरिजिन के पर्सन वावेल राम कलान यहाँ पर प्रेजिडेंट बन गए शीशल्स के जो कि कंट्री है ठीक है शीशल्स एक कंट्री आपको मिलेगी यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन के साथ मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ तो सीशल्स के जो नए प्रेजिडेंट है वो असल में इंडियन ओरिजिन के उनका नाम है वावेल राम कलवान ठीक है तो वो जो सीशल्स है वो असल में नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तक एक ब्रिटिश कॉलोनी था उसके बाद एक कंट्री बन गया तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैप पर तो अगर मैप पे आप देखो ये अफ्रीका ठीक है अफ्रीका के साथ में आपको यहाँ पर इस रीजन में मिलेगी कंट्रीज का नाम है ठीक तो है है, Next, है, है तो कंट्री कंट्री प्रॉपर एक नेक्स्ट न्यूज क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलेटेड तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर सोलर अवार्ड दिए गए ठीक है तो पहली बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर यहाँ पर अवार्ड दिए गए आपको पता होगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है इसके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया गुरुग्राम में ठीक है इसको बनाया गया था थर्टी नवंबर ट्वेंटी फिफ्टीन को तो ये इंटरनेशनल सोलर लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी थी, ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पर अवार्ड्स कैटेगरी में जो हमारा फेज है वो है नोबल प्राइज अब जो नोबल प्राइज है जो जिनको दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स भी बोल देते हैं ठीक है टोटल छे नोबल प्राइज दिए जाते हैं तो हम छे के छः नोबेल प्राइज फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी को डिस्कस कर लेंगे ठीक है नोबल प्राइज किसके नाम पर दिए जाते हैं एक साइंटिस्ट होते थे एल्फ्रेड नोबल तो एक साइंटिस्ट होते थे एल्फ्रेड नोबल उनकी विल के हिसाब से उनकी वसीयत के हिसाब से नोबल प्राइज को बनाया गया फर्स्ट नोबल प्राइज़ दिया गया था 1901 सौ तो 1901 में दुनिया का फर्स्ट नोबल प्राइज़ दिया गया शुरू में पांच होते थे 1968 में एक और ऐड हो गया तो छः हो गया तो अब टोटल छः नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं पूरी दुनिया में अगर आपसे पूछे कोई कोई पूछे कि जो सबसे लेटेस्ट नोबल प्राइज़ ऐड हुआ था उसका नाम क्या था उसका नाम था नोबल प्राइज़ इन इकनॉमिक साइंसिस या फिर पूरा नाम था स्वर्जेस बैंक प्राइज़ इन इकनॉमिक साइंस इन दी मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है तो या तो हम यहाँ से न्यूज पढ़ सकते हैं उसका थोड़ा एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली जो फोटो है ना इस फोटो को समझ सकते हैं मैंने सारे जो नोबल प्राइज है उसमें ये वाली फोटो लगाई है इसके थ्रो समझना थोड़ा ईजी होता है जैसे फर्स्ट जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये असल में प्राइज का नाम है यहाँ पर न, उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस प्राइज को जीता है नीचे लिखा हुआ है कि किस कारण के लिए किस रीजन के लिए उनको प्राइस दिया गया सबसे नीचे लिखा हुआ है किस इंस्टीट्यूट ने प्राइज को अवार्ड किया जैसे फर्स्ट है स्वर्जिस रिस्क ब्रैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमरी ऑफ एल्फर्ट नोबल ठीक है तो ये प्राइस है मतलब इकोनॉमिक का जो नोबल प्राइज है उसकी बात की जा रही है किस किस को मिला है पॉल आर मिलग्राम को और रॉबर्ट वी विल्सन को तो पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन इन दोनों को ये प्राइज दिया गया ठीक है क्या इन्होंने किया इन्होंने एक न्यू ऑक्शन थ्योरी ढूंढी है तो एक न्यू ऑक्शन थ्योरी के लिए ठीक है इनको ये जो प्राइज है दिया गया ठीक है और किस इंस्टीट्यूट ने अवार्ड किया इंस्टीट्यूट का नाम है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसिस तो अगर आपको पता हो मैंने आपको बताया दुनिया में छः नोबल प्राइज है उसमें से जो पाँच है ठीक है पाँच नोबल प्राइजेज दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकों में और एक नोबल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ऑसलो ठीक है कौन सा एक नॉर्वे में दिया जाता है पीस का तो सिर्फ नोबल प्राइज इन पीस दिया जाता है नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो में बाकी सारे के सारे जो नोबल प्राइजेज है वो कहाँ दिए जाते हैं स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अगला नोबल प्राइज नेक्स्ट है नोबल पीस प्राइज़ तो मैंने आपको बताया जो पीस वाला सिर्फ वही दिया जाता है नॉर्वे कैपिटल ऑसों तो में बाकी सारे के सारे नोबल प्राइज दिए जाते हैं यहाँ पर स्वीडन कैपिटल स्टॉकों में तो नोबल पीस प्राइज 2020 किसको दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ठीक है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया नोबल पीस प्राइज़ एक बहुत ही बड़ा एफर्ट है ताकि दुनिया में भुखमरी से कोई भी ना मरे ठीक है तो ये इनका मेन मोटिव है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और दो में तो इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहे थे बहुत मुश्किल था तो इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया गया ठीक है इनके एफर्ट्स के लिए जो ये हंगर के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ रहे हैं और किसने ये डिसाइड किया था कि नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाएगा इनको एक नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी है ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया देखो मैंने आपको ये बताया कि छः नोबेल प्राइजेस में से पाँच तो दिए जाते हैं स्वीडन के कैपिटल स्टोको में और एक दिया जाता है नॉर्वे के कैपिटल औसलो में और ये जो एक अकेला अलग जगह दिया जाता है कौन सा है पीस का इसलिए लिखा हुआ है नॉर्वेनियन नोबल कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोबल प्राइज है।, तो है, है, है ये कौन लिटरेचर या फिर यूएस के एक है ठीक है यूएस बेस्ड है ये और इनको ये लिटरेचर में नोबल प्राइज दिया गया जो इन्होंने अपनी आप कह लो पूरी लाइफ में लिटरेचर फील्ड की तरफ जो कुछ किया तो इनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है लिटरेचर को लेकर लिखने को लेकर उससे रिलेटेड इनको यहां पर नोबल प्राइज इन लिटरेचर दे दिया गया ठीक है किसने डिसाइड किया था कि इनको नोबल प्राइज मिलेगा द स्वीडिश नेक्स्ट नेक्स्ट है प्राइज इन फिजिक्स तो 2020 में जो फिजिक्स का नोबल प्राइज है वो किसको मिला वो मिला रॉजर पेनरोस को रेनहेल्ड गेंजिल को और एंड्रिया गेस को इन तीन लोगों को मिला ठीक है तो तीन लोगों को यहाँ पर नोबल पीस सॉरी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है अब आपको एक और चीज पता नहीं चाहिए कि एक नोबल प्राइज ना मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन लोग ही शेयर कर सकते हैं चार लोगों को एक नोबल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता ठीक है तो इन तीन लोगों को जो नोबल प्राइज़ दिया गया इसमें किया क्या गया कि फिफ्टी परसेंट जो नोबल प्राइज़ में अवार्ड मिली थी जो कि कुछ दस करोड़ के आसपास होती है पचास परसेंट इनको मिलेगी बाकी पचास परसेंट इन दोनों में बांट दी जाएगी ठीक है इन लोगों ने डिस्कवरी की क्या तो इन लोगों को नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला था जो ब्लैक होल ब्लैक होल से रिलेटेड इन्होंने स्टडी करी ठीक है तो ब्लैक होल अगर आप समझते हो स्पेस में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आज तक तो साइंटिस्ट बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है ब्लैक होल को लेकर और इन लोगों ने अपनी बहुत लाइफ की रिसर्च लगाई है ब्लैक होल पे इस वजह से इनको यहाँ पर नोबल प्राइज इन फिजिक्स मिला किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया था तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसिस ने डिसाइड किया था कि इनको यहाँ पर नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिया जाएगा नोबल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन ठीक है तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबल प्राइज है वो दिया गया थीके? तीन लोगों को ठीक है किन किन को हारवी जे ऑल्टर मिशेल हकटन और चार्ल्स राइस किस चीज़ के लिए फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इन लोगों को यहाँ पर नोबल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या फिर नोबल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया तो हेपेटाइटिस सी वायरस को सिर्फ ढूंढने के लिए ठीक है अब ये वायरस ऐसा था जिसकी वजह से दुनिया में प्रॉब्लम तो बहुत थी पर किसी को पता नहीं था कि इस तरह का भी एक वायरस एग्जिस्ट करता है हेपेटाइटिस ए और बी के बारे में ही पता था तो हेपेटाइटिस सी को सिर्फ डिस्कवर करने के लिए इन तीन लोगों को यहाँ पर ये यह जो नोबल है दिया गया ठीक है और वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बताया कि इनको ये नोबल प्राइज़ दिया जाएगा नोबल असेंबली एट दी कैरोलिंका इंस्टीट्यूट तो ये वो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये डिसाइड किया था नेक्स्ट नोबल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री ट्वेंटी तो जो केमिस्ट्री का नोबल प्राइज़ है ये दो लोगों को मिला इमैनुअल शार्पेंटर और जेनिफर ए डोडना तो इन दोनों लोगों को नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला क्यों किस चीज़ के लिए इन्होंने असल में एक जीनोम एडिटिंग ठीक है जीनोम एडिटिंग कहता है अगर आपने सुना हो बहुत बार आ, बोलते हैं कि एक जेनिकल जेनेटिक डि, डिजीज़ है ठीक है ये जन जीन्स की वजह से आया हुआ डिजीज़ है इसको ठीक करने का को और कोई तरीका नहीं है तो अगर आपको किसी का जेनेटिक डिजीज ठीक करना है तो उसके लिए आपको जीनोम एडिटिंग करनी पड़ेगी उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है इसको बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ठीक है तो बस उसी से रिलेटेड इन्होंने काम किया जिसकी वजह से इनको नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वेंटी मिला ठीक है कैसे इंस्टीट्यूट ने फाइनल किया कि इनको नोबल प्राइज दिया जाएगा स्वीडिश एकेडमी ऑफ तो ये इन्होंने फाइनल किया था कि इनको नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमने यहाँ नोबल प्राइजेस भी कवर कर लिए नेक्स्ट न्यूज क्या है कि राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है न्यू डेप्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई के न्यू डेप्य गवर्नर का नाम क्या है राजेश्वर राव ठीक है अगर आपको पता हो तो आरबीआई में सबसे ऊपर होते हैं गवर्नर उसके बाद आते हैं डेप्यूटी गवर्नर डेप्यू गवर्नर।, गवर्नर होते हैं चार तो एक डेप्टी गवर्नर की यहाँ पर पोस्ट खाली थी जिसकी जगह राजेश्वर राव को डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया ठीक है नेक्स्ट न्यूज क्या है तो यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान ठीक है यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिस्ट्री संभाले थे हमारी कंट्री की उनकी पिछले साल यहाँ पर डेथ होगी ठीक है और उनके आपको पता होगा एक पॉलिटिकल पार्टी भी उसका नाम है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो कि बिहार बेस्ड एक पार्टी है नेक्स्ट यहाँ पर अवार्ड कैटेगरी की न्यूज क्या है कि एक इंडियन टीन एजर उनका नाम है उदित सिंघल तो उदित सिंघल को यहाँ पर एक अवार्ड मिला है बहुत बड़ा नाम है अवार्ड का यूएन लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर एस डी गोल्स एस डी के हिसाब से अगर दुनिया की कोई भी कंट्री इन गोल्स की तरफ को काम करती है तो वो हमेशा ठीक डायरेक्शन में ग्रो करेगी ठीक है तो यू लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक यहाँ पर अवार्ड मिला एक इंडियन का नाम है उदित सिंगल तो और भी काफी सारे लोगों को अवार्ड मिले पर उदित सिंगल एक इंडियन थे जिनको अवार्ड मिला यहाँ पर तो मैंने जो यहाँ पर एक आ, इमेज लगा दी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएन के ठीक है तो 17 गोल्स की एक इमेज लगा दी आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हो ठीक है कि यूएन क्या कह रहा है यूएन चाहता गया है कि दुनिया भर के कंट्रीज किस तरह से यहाँ पर ग्रो करें नेक्स्ट हरिवंश नारायण सिंह को री कर दिया गया है एज राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ठीक है तो हरिवंश नारायण सिंह को री कर दिया गया पहले भी थे इनको री कर दिया गया राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया रिसेंटली सर डेविड आटनबर्ग को तो सर डेविड आटनबर्ग को रिसेंटली एक प्राइज दिया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज तो थोड़ा सा इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में जो इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैंने शेयर कर दी ठीक है इस चीज को आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट है के के वेणुगोपाल को अपॉइंट कर दिया गया एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ई एस में कौन होते हैं और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलिस जनरल क्या इन सब पोस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इनको बुलाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट तो मान लो कोई ऐसा केस है ठीक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई ऐसा केस पहुंच गया जहां पर इंडियन गवर्नमेंट को भी एक साइड की तरह आना पड़ेगा तो दो तरह से लोग आ रहे हैं एक तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को बुलाया गया एक तरफ से कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ रही है तो इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद सेकंड इन कमांड कौन होते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो आप ऐसा मान लो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बॉस है उनके नीचे काम करते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर नीचे काम करते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो ये तीन पोस्टों के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज क्या है विनी महाजन ठीक है थोड़ा स्टेट रिलेटेड है पर इंपॉर्टेंट है विनी महाजन बन गए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब तो पंजाब स्टेट के फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी का नाम है विनी, विनी महाजन आई होप आपको बताओगा जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं किसी भी स्टेट के वो हाईएस्ट रैंकिंग आईएएस ए ऑफिसर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के ठीक है तो पंजाब के जो हाईएस्ट रैंकिंग आईएएस ऑफिसर उनका नाम है विनी महाजन और ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बने ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब ठीक है स्टूडेंट्स तो इसके साथ जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कैटेगरी के न्यूज़ uh, थी वो मैंने कवर कर ली इस uh, पर्टि, इस पर्टिकुलर यहाँ पर क्लास में ठीक है आई होप आपको ये हेल्प करेगी ठीक है इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मैंने आपको जो टेलीग्राम uh, चैनल का नाम पता है शायद हाँ ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा ठीक है तो वाईफाई स्टडी बैंक के पे सारी जो पी डी एफ से अपलोड हो जाएंगे अगर आपको पी डी एफ चाहिए तो आप यहाँ जाके इसको ले सकते हो ठीक है थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड हैव अ सक्सेसफुल डे